All right guys, so this is Riddhi Bro Hindustan से मेरी जान from Vocal City Productions और इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं, this is called Koer University, one of the most esteemed higher education institutions of Uttarakhand, Koer University. तो अभी हम लोग कुछ बच्चों से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे. मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, दिस इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन उत्तराखंड यू नो जिसके पास इतने डायनामिक टैलेंट है. हम बोल सकते हैं एक डायनामिक टैलेंट से भरी हुई यूनिवर्सिटी. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कोर यूनिवर्सिटी. एंड व्हाई वी आर हियर, वी आर हियर इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द ग्रेट इवेंट ऑफ ज़ायन 2K23. Guys, so, अब हम जा रहे हैं backstage, Koer University, जहाँ पे celebrate कर रहे हैं लोग yearly festival Zion 2K23. देखते हैं और जानते हैं बंदों का हाल क्या है और क्या कितने लोग यहाँ पे बेहाल हैं, कितनों की anxiety problem है. Of course, यहाँ पे बहुत अच्छे guitarist हैं. All right, guys. मुझे पता था Koer University. Yes. All right, तो कुछ कहना चाहोगे आप? बस अच्छा करेंगे हम. Alright, अच्छा करेंगे. दो मेरे को दिखता भी है, like you know, you are very smart. आपका नाम क्या है? अमित अरोड़ा. अमित अरोड़ा जी from Koer University, guitarist हैं, बहुत जबरदस्त guitarist हैं. मैं चाहता हूँ कि अमित अरोड़ा जी थोड़ा सा अगर आप कुछ एक धुन अपने like you know अगर play कर सकें. अरे अच्छा लगता है यार, come on. Wow, Amit, I just would like to give you all the very best. You know, my wishes are with you. But बहुत ही उम्दा आपने जो है वो गिटार प्ले किया. मुझे पता था Koer University means the next level of excellence. And very best of luck to you. अभी हमारे पास यहाँ पे दूसरा ग्रुप है. I don't know, ये थोड़ा सा शाही ग्रुप है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये ग्रुप Koer University का नहीं है. Why? Because you know, हर एक यूनिवर्सिटी से सिर्फ एक ही टीम पार्टिसिपेट कर सकती है, चाहे वो सोलो हो चाहे वो ड्यूट परफॉर्मेंस हो. Koer University की बात, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप से. ऑलराइट गाइस, सो अभी हम लोग एक नई टीम के सामने हैं और ये टीम है क्वांटम यूनिवर्सिटी, जो कि एक टफ कॉम्पिटिटर है Koer University के, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के स्पिरिट के साथ. जानते हैं इनके अंदर क्या उबाल चल रहा है अभी. ऑलराइट, क्या चल रहा है आपके अंदर? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मैं एक्साइटेड भी है बिकॉज ये पहला कॉम्पिटिशन है हमारा बाहर एंड वी आर हियर टू रॉक. Alright, so basically इनके बैंड का नाम है क्यू एंड कोर. आप देख सकते हैं कि ये इतने ज्यादा सुपर एक्साइटेड है कि इनको किसी चीज का खौफ नहीं है. एंड दैट्स व्हाई यू नो दे आर फ्रॉम क्वांटम यूनिवर्सिटी. आपका लोगो क्या है यूनिवर्सिटी का, या आपकी टैगलाइन क्या है यूनिवर्सिटी? Alright, देखा कितनी प्यारी लाइन है, योर मेलेडी आर वॉइस. लेकिन आपको पता है आप यहाँ पे आ रखे हैं Koer University, आपका कॉम्पिटिटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है Koer University. We are actually here to vibe with the audience, not to compete, because we know we are a tough competitor and it's difficult to beat us. देखा कितनी 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 प्यारी बात बोली है. Like ना, competition होता है अपनी जगह, लेकिन एक vibe को enjoy करना शायद यही इनको और team से अलग करता है. मैं दो line सुना सकता हूँ गाने? बिल्कुल, एक live event. Yeah, तालियां. तेरा है डिडोण कास्तो, चंगा भला हसदा सी मोण कास्तो, अजेरे दरवाजे विच बोल चकी करे आ, मैं चंगी तरह जानदा या कोण कास्तो. मिलूगी नित कंट्रोवर सी करेट मिलूगी, तर माद नाम डेट वेट मिलूगी, सच बोलेगा तो मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुते हेट मिलू. सरदार मेरे साथ है. क्यों आपने ये डांस फॉर्म चुना भांगड़ा? बिकॉज एनर्जेटिक है बहुत ज्यादा, सबको मजा आता है इस चीज के लिए, सारे ही गाने के एंजॉय करते हैं इसमें. और मेन बात यह कि सबसे ज्यादा एंजॉय पब्लिक इसी गानों पे करती है भंगड़ा पे. सब चंगा सी अभी तक? सब चंगा सी. कोई दिक्कत नहीं आई सी?
नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं आई थी, बल्कि इन लोगों के साथ परफॉर्म करके बहुत अच्छा लग रहा है। एक नई फैमिली टाइप सी बन गई है, क्योंकि हम इतने लगभग एक महीना होगा कोर्ट डांस करते करते, पैर में दर्द होता है तो ये लोग दबा देते हैं एक दूसरे के पैर, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, हम बहुत एक्साइटेड। ऑलराइट गाइस, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्वांटम की टीम आ चुकी है स्टेज पे। और राइट नाउ इवेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। मैंने आपको दिखाया अंदर का क्या माहौल है, बाहर का क्या माहौल है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इवेंट हैज जस्ट स्टार्टेड। इवेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैम कुछ बताएंगे, मतलब क्या इवेंट कब स्टार्ट हुआ? इवेंट सर आज से स्टार्ट है और ये हमारा 11-13 चलेगा। ऑलराइट गाइस, सो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं आउटडोर, क्योंकि अंदर तो माहौल गर्मा गर्म है, बट यस हम लोग अभी मेन ऑडिटोरियम कोर यूनिवर्सिटी के बाहर आ चुके हैं। पहली बार हम लोग देख रहे हैं एक ट्रायो में, लाइक यू नो वर्जन ऑफ गर्ल्स, थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर दीजिए। ज़ायन, ज़ायन 2K23 में आप सबका स्वागत है। आप कहाँ से हैं? आप कोर से हैं, आपकी टाई से पता लगता है, लेकिन आप कहाँ से हैं? कोर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हर जगह जलवा है कोर के स्टूडेंट्स का यार, किसी भी कोने में नुक्कड़ में आप चले जाओ वहां बंदे जरूर मिलेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो स्पिरिट है जीतने की, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की, वो सबसे अलग है। ज़ायन 2K23 वर्क के बारे में आप और कुछ क्या कहना चाहेंगे? लाइक यू नो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है कोर यूनिवर्सिटी? काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, बाकी फैकल्टीज वगैरह काफी सपोर्टिव हैं, पढ़ाई पर भी काफी ज्यादा मतलब फोकस करते हैं, और रही बात फेस्ट को लेकर, काफी सारे फेस्ट होते हैं, काफी एंजॉय करते हैं हम लोग यहाँ पर। मेरा फर्स्ट ईयर है, अभी सेकंड सेमेस्टर चालू हुआ अभी मेरा, तो अभी तक जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है बीटेक में तो वो काफ़ी अच्छा है। मतलब हर भी जगह हमको कॉम्पिटिशन्स वगैरह में करवाने के लिए, तो अच्छी बात है कि फर्स्ट ईयर को मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ करने के लिए, कुछ अपने आप को, मतलब ऐसा होता है ना कि फर्स्ट ईयर में अगर तुम्हें पता चल जाएगी किस तरीके से आपको स्टेज में अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरीके से आपको बाकी लोगों से बात करनी है, ग्रुप में किस तरीके से काम करना है, अगर फर्स्ट ईयर में आपको ये सब एक्सपीरियंस मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा है। Like it's my first time here because I have just recently joined, so I'm really excited and let's see what happens next, and I am excited about the fest and the program especially. जी मैम, आपने आज पूरे दिन क्या किया? Like you know how did you enjoy? मतलब teaching से हटके? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो start ही किया है, अब rock करेंगे, अभी तो start ही हुआ है ना, अब देखते हैं आगे क्या क्या rock करते हैं। Enjoying here right now. Now देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है, बट कोयल के जो स्टूडेंट हैं वो ऑलवेज रॉक करते हैं, करेंगे और करते रहेंगे, और वी ऑल्सो इंजॉइंग हेयर एज अ फैकल्टी, बट हम लोगों का भी पूरा राइट है उसको इंजॉय करने का, तो वी आर इंजॉइंग हेयर। डेफिनेटली आई विल बी, स्टूडेंट्स की मेहनत है एंड वी आर हेयर टू गिव अप देम द चीयर अप, राइट, एंड कोयल यूनिवर्सिटी ऑलवेज रॉक्स। हिप हिप हुरे। So, एक बार कोर यूनिवर्सिटी के लिए एक विक्ट्री साइन दिखा दीजिए प्लीज, तो दिस इज हिप हॉप साइन, बट एक और विक्ट्री साइन दिखा दीजिए। I'm also from MBA branch and I'm gonna rock as I'm a Punjabi, so it is our cultural dance, so I'm gonna rock it. All right, जैसा कि इन्होंने बोल दिया, मैम व्हाट्स योर नेम? अवनी कश्यप। अवनी कश्यप ने बोल दिया कि ये पंजाबी हैं दिल से और जमीन से जुड़ी हैं पंजाब के, और आज यहाँ पे है पंजाबी नाइट, तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और रॉकेट, क्योंकि भांगड़ा नाइट अभी 6 बजे के बाद स्टार्ट होगी कोयल यूनिवर्सिटी में। मैम आपको बहुत बहुत थैंक यू एंड एंजॉय योर डे, योर फेस्टिवल। नित्या जी आप थोड़ा सा बताएंगे, लाइक यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन कोयल यूनिवर्सिटी? सुपर एक्साइटेड फॉर टुडेस इवेंट। ज़ायन कुछ चल रहा है 2K23? बहुत ज्यादा, अभी तो शेले आ रही है, सो उसके लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल है, अभी आप देख लो अंदर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। कुछ कहना चाहेंगी बच्चों को मैम, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट कर रखा है कोर ज़ायन 2K23 में? फिलहाल यही कहूंगी कि यू नो अभी भी जो चल रहा है उसे देखो, एंजॉय करो, आगे के लिए प्रेफरेंस करो जो भी हो रहा है। सुपर डुपर एक्साइटेड, आई एम स्वेयरिंग, बट आप इनका क्रेज देख सकते हैं गाइस, आप थोड़ा सा एक बार इनके फेस दिखाओ, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। रेज योर हैंड्स अप इन द एयर एवरीबॉडी, कोयल यूनिवर्सिटी। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम कोयल? सब लोग कोयल से हैं क्या? यहाँ पे कुछ टीमें हैं जो बाहर से हैं, लाइक यू नो RIT, बट बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जो कोर से हैं। गाइस कोर से कितने? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम कोयल? कोयल कोयल। मेरा नाम अर्जुन है और मैं अभी यहाँ पे बैंड में परफॉर्म करूंगा, कल मेरा शो भी है। ऑलराइट ऑलराइट, सो हमारे पास कुछ जाने पहचाने चेहरे भी दिख रहे हैं, यू नो दे आर फ्रॉम कोयल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे पूरा एक बंच बैठा है कोयल यूनिवर्सिटी का। गाइस पार्टिसिपेंट्स हो क्या हो? नहीं, हम देख रहे व्यूज है, सपोर्ट करेंगे, पार्टिसिपेशन डजंट मैटर, लाइक यू नो इफ यू सपोर्ट
okay guys, so participation hardly doesn't matter, like, you know, even if you are there to support your team, that makes the difference, all right? And this makes the students of Koyal University different from others, but it doesn't mean that, you know, we are just keeping other students isolated. All right, so kaun se competition mein aap? We are in the skits. All right, aur kitni team hai aur kitna participation aap? I think we have 11 participants. So hello, abhi hum logon ne kafi umda performance bandon ka dekha hai, like, you know, Koyal University kafi acha inka performance raha hai. Ab hum log aa rahe hain inke main cafeteria mein. Yahan pe aap kuch crowd dekh sakte hain jo ki bahar se aaye hain. Aap log kahan se aaye guys? RIT. RIT, to iska full form kya hai? Roorkee Institute of Technology. All right, so ye students hain. I give you all the very best. Kis cheez mein aa rakhe ho aap? Dancing mein aa rakhe ho? Group dance. To aapka group kidhar hai? Audio. All right, तो इनका ग्रुप इनके पास नहीं है इस वक्त. ये लोग अकेले ही इस ग्रुप को लीड करते हुए कैफेटेरिया में, शायद भूख लगी होगी यहाँ के समोसे बहुत उम्दा के लिए. सर, वी आर द ऊर्जा कमेटी, वी हैव द फायर इन इट. मानना पड़ेगा ऊर्जा कम्युनिटी Koyal University, क्योंकि नाम में ही ऊर्जा है, तो इसलिए इनके जज्बातों में भी ऊर्जा दिख रही है. ऊर्जा कंडक्ट कराती है. और यहाँ पे और जो अंदर कमेटी है ना, हमारी डांस कमेटी हो गई, सिंगिंग कमेटी हो गई, ड्रामा कमेटी हो गई, उनको भी एक तरीके से लीड करती है और इवेंट उनके लिए ऑर्गेनाइज कराती है. देखा, जितना प्यारा नाम है उतना ही प्यारा इनका काम भी है. ये ऊर्जा कम्युनिटी है. जितने भी कल्चरल फेस्ट होते हैं गाइस, ये Zion 2K23 Koyal University जो उत्तराखंड की नंबर वन यूनिवर्सिटी है, हम उनसे रूबरू हुए यार ऊर्जा, क्योंकि ये बैकबोन है गाइस, ये ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि कल्चरल फेस्ट एक होना कैसा चाहिए, उसी के तहत लोग काम कर रहे हैं. इनको हमारा सलाम है. guys, मेरे सामने दो डायनेमिक स्टूडेंट्स बैठे हैं Koyal के. थोड़ी सी गपशप लगा ली जाए और थोड़ी सी चटपटी बातें की जाए. तो हेलो, हाय, कैसे हो आप? मैं बहुत उम्दा हूँ, इसलिए आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ. हेलो मैडम. सर, नमस्कार जी. ऑलराइट, सो किस चीज के मजे लिए जा रहे हैं? अरे गाइस प्लीज, ऐसे Koyal के बंदे ऐसे नहीं शर्माते यार. आप कुछ ना कुछ तो खा रहे थे. मैंने आपको पहले कहा था कि राजमा चावल यहाँ का स्नैक्स लेवल गाइस. Alright guys, so हम लोग उनको कैसे भूल सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन में है, जो स्टूडेंट्स जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इतने बड़े इवेंट को, Zion 2K23. guys, क्या एक्सपीरियंस है? आप थकते नहीं हो क्या? From first year to final year, it has been an urja is the name, like it gives you power, the name only gives you the power to work for the committee, to chill for the committee, to just live for the college, just make the college a happy college. जैसा कि इन्होंने बताया, दे आर फ्रॉम ऊर्जा, लाइक यू नो ऊर्जा इज एवरीवेयर, लाइक यू नो इट इज नथिंग बट यू नो एसोसिएटेड विद द सोशल क्लब कल्चरल कमेटी. ऊर्जा की टैगलाइन है सेंटिलेटिंग द ऑरा. सेंटिलेटिंग मींस शाइनिंग द ऑरा. वी यूज्ड टू, मतलब वी हैविंग अ बिग कमेटी मेंबर्स ऑफ 100 पीपल वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर फेस्ट फॉर 2-3 मंथ्स. वी वर्क फॉर द स्पॉन्सरशिप टीम. वी हैव अ डिफरेंट टीम्स, पीआर टीम्स एंड ऑल द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द टीम्स हु वर्क डे एंड नाइट फॉर दिस पर्टिकुलर, मेक दिस पर्टिकुलर फेस्ट अ सक्सेसफुल फेस्ट. जैसा कि आप लोगों को सबको मैसेज मिल गया होगा, दैट्स कॉल्ड ऊर्जा. ओके, क्योंकि ऊर्जा मींस टू गिव एनर्जी, टू पावर. दैट्स व्हाई दे आर सुपर कूल. नॉट ओनली यू नो, नॉट ओनली यू द कोऑर्डिनेशन कमिटी, बट यू नो एवरीबॉडी. आप लोग यहां देख सकते हैं कितने हंसते खिलते हुए चेहरे हैं यहां पे कॉम्पिटिशन के साथ. मैम, आप सो गाइस ऑफिशियल स्पॉन्सर जो है Koyal University में, जो Zion 2K23, इट्स हंटर 350 बाय रॉयल एनफील्ड. कुछ जानना चाहेंगे हम उन्हीं के ऑफिशियल से. सर, कुछ बताएं इस बाइक के बारे में. अभी फिलहाल जो ये हमारा व्हीकल है, जो मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया है, ये हमारे यंगस्टर से ही रिलेटेड ज़्यादा है, तो कंपनी इसको ज़्यादा रिकमेंड करती है, क्योंकि अभी फिलहाल ये हमारा लाइटेस्ट मोटरसाइकिल है रॉयल एनफील्ड में और सबसे स्टाइलिश है. आपने देखा होगा हमारे और भी व्हीकल्स हैं और अदर भी वेरियंट्स आया करते हैं, बट आई कैची जो स्टूडेंट्स के लिए है वो ये ज़्यादा है. प्लस इसमें जो कलर है हमारे, बहुत वाइब्रेंट थीम रखी गई है यूथ को ही देखते हुए. इसके कलर्स भी और कंपनीज में लेके आई है. ये तो आपने बस एक ही डेमो देखा है इसका, एक आप इसकी स्कैंडी में भी देख सकते हो. एक ड्यूल टोन थीम में इसमें दे रखा है, तो हाँ, यंगस्टर को ज़्यादा पसंद आ रही है. Hi guys, so this is the Ultra Room and we have captured most of the things of today's event. So this is the first event and right now we are here and I literally don't know, you know, what will happen next. But they are desperately waiting, everybody, as you can see the crowd over here, man. All right. Wow! Yes! Yo!
So guys, sir, overall, how was the performance? Like, you know, अभी time अपने आपने बसाया नहीं. Very nice performance, very nice. बहुत बढ़िया performance रही है अब तक की, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छी performance. आपको देख के बहुत अच्छा लगा. हमको देख के हमारे चाहने वाले भी बहुत हैं यहाँ पे, लेकिन overall, you know, it was a fantastic and overall the performance are very nice and very fantastic. But how you are enjoying? आप लोग enjoy कैसे कर रहे हो? आज का दिन कैसे enjoy कर रहे हो? देखा, यही तो स्पिरिट होती है गाइस कि ना, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आपने पार्टिसिपेशन कर रखा है नहीं कर रखा है, बट इवन इफ योर फ्रेंड हैज टेकन पार्ट इन समथिंग, यू विल गो एंड शेयर देम अप. ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ अभी दिन ढल रखा है गाइस, इवन पूरा बाकी है. 8 बजे पंजाबी नाइट्स है. आज फर्स्ट डे था Zion 2K23 Kuwait University. Super excited. I'm signing off from today's vlog. Till then, you just keep your eyes on Kuwait University, Roorkee. That's the only way. Hindustan se meri jaan.